नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थानापनकी के अंतर्गत गोपालपुर पुलिस चौकी के ठीक बगल में बनी राजकीय पशु चिकित्सालय में दबंगों का कब्जा। राजकीय पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग को दबंगों ने तोड़फोड़ करके उसके ईंटों को बेच करके वहां पर दबंग गाय भैंस बांध कर कब्जा कर लिया है। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये राजकीय पशु चिकित्सालय जो कि गोपालपुर चौकी के ठीक बगल और गाँव की रोड पर आता है, दबंगों ने रोड पर खूंटा डालकर कब्जा कर लिया है और जानवर बांध रहे हैं। रोड पर आने जाने वाले लोग अक्सर गोबर में छींटे में लिपट जाते हैं। गांव का व्यक्ति अगर ड्यूटी जाता या कोई अपने काम से कहीं बाहर जाता है तो इनके रोड पर बंधे जानवर के गोबर के छींटे कपड़े पर आ जाते हैं और कई बार तो रोड पर लोगों की कारें भी जानवर से टकरा गई हैं और दबंगों ने मुर्गी भी पाल रखा है। इनकी मुर्गी या चूजे अगर रोड पर घूम रहे हैं, जरा सी साइकिल से अगर टकरा गई तो उसकी मोटी रकम भी वसूलते हैं। आखिर इन दबंगों पर कब होगी कार्रवाई? कब सरकारी जमीन होगी खाली? कब बनेगा पशु चिकित्सालय? कब तक मौन रहेंगे पशु चिकित्सा अधिकारी? एवं खबर सूत्रों से भी पता चला है कि यहाँ पर पशु के जो डॉक्टर तैनात हैं वो अपना बैठते किसी और भवन में हैं और पशु की इस बिल्डिंग के नाम दबंगों से किराया वसूलते हैं हर महीने। क्या नाम है आपका? शिवनाथ पाल जी। शिवनाथ जी, क्या मामला, ये कौन सा गाँव है? ये गोपालपुर है। अच्छा, किस थाने के अंतर्गत आता है ये? थाना पनकी लगता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जमीन का क्या मामला, जो भैंस बंधी क्या है, वो क्या चीज़ है, किस चीज़ की जमीन है ये? सर सरकारी अस्पताल था यहाँ पर। अच्छा अच्छा, पशु सेवा केंद्र। अच्छा, पशुओं का अस्पताल जी, था जी, सर। तो इसमें जानवर बन रहे हैं और ये सब जबरदस्ती हो रहा कब्जा यहाँ बहुत पहले से है। यहाँ पर लोग निकलते हैं तो कहीं लड़ जाते हैं तो उनसे पैसा ले लिया जाता है, मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हो। अच्छा अच्छा, इसकी शिकायत कभी प्रशासनिक अधिकारियों से किया आपने? नहीं हुआ इसे पहले तो कभी नहीं हुआ। ये जो पशु चिकित्सा पे केंद्र पे जो बना है सरकारी जमीन पे ये भैंस और पली है, इसकी कभी शिकायत प्रशासन से हुई क्या कभी? इसकी शिकायत हुई है पहले, इसका खाली करवाया जा चुका है 2009 में। अच्छा, महेशपाल पूर्व प्रधान द्वारा, उसके बाद डॉक्टरों को मिली भगत और यहाँ के कुछ गाँव के लोगों द्वारा जी जी इस पे कार्य चल रहा है। अच्छा अच्छा, जी जी, इस पे कब्जा कराया गया गांव के लोगों द्वारा, लोगों ने किया डॉक्टरों की मिली भगत द्वारा। इसमें पता चला है कुछ लोग पैसा लेकर डॉक्टर इसको कब्जा करा रहे हैं, जिसमें लोग भैंसे बांध रहे हैं। नलाल गाड़ लिया है कि बहुत पुराना, हमारे जमाने सुनने को आ रहा 30-40 साल पुराना अस्पताल है यहाँ। अच्छा, बिल्डिंग बने तो क्या ये कागज में ये अस्पताल आज भी है, जिंदा है? कागज में अस्पताल है, डॉक्टर आते हैं उनको पंचायत घर में वो बैठ रहे हैं। अच्छा, गांव की बिल्डिंग है, जगह ना होने के कारण पंचायत घर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगन्नाथ तिवारी। जगन्नाथ जी, कौन सा गांव है? ग्राम गोपालपुर। कौन से थाने में आता है? पनकी थाने में। अच्छा, ये जो यहाँ आप लोगों ने भीड़ लगाई है, ये कौन सी जमीन का क्या मामला है? ये यहाँ पे मामला ये है, पशु चिकित्सालय है, करीब करीब 50-60 साल पुराना पशु चिकित्सालय हमारे ख्याल से, और भी ज़्यादा हो सकता है। बिल्डिंग गिर गई है, बिल्डिंग गिरने के बाद अब डॉक्टर आते हैं तो वो पंचायत घर में बैठते हैं जी जी जी। तो हम लोग चाहते हैं कि पशु चिकित्सालय बने, पुनः बने। लेकिन वहाँ पे तो भैंस वैंस पली, वो किसकी है? अब वो भैंस वैंस पली है तो उसके लिए हम लोग प्रधान जी से भी कहेंगे इस चीज़ के लिए कि इसकी व्यवस्था करावें। अच्छा अच्छा, हम लोगों का तो ये किसके 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 सह पे ये कब्जा हुआ, कैसे भैंस यहाँ बनने लगी? ये इसके हम किसी को इस तरीके की बात नहीं बोल सकते किसके सह पे हुआ, जिस मौके पे जिसकी जो कुछ भी वहाँ उपस्थिति है वो उन लोगों की उपस्थिति है। हम लोग कहेंगे तो हमारे ऊपर बुराई वाला चक्कर आता है, इसलिए सूत्रों से जानकारी हम लोगों को ये प्राप्त हुई है कि यहाँ पे जो है दबंगों की जमीन जो ये दी गई है, किराया भी इसका वसूला जाता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हो सकता है, हम इसके विषय में बता नहीं सकते। We'll be right back.